आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के उर्वरक रसायन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया साहब, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे माननीय श्री कैलाश चौधरी जी, माननीय शोभा जी, माननीय भगवंत कुभा जी, इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम में सशरीर उपस्थित और वर्चुअल रूप से जुड़े देश भर में केंद्र सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पंचायती राज और सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले प्रतिनिधिगण और किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज पीएम किसान सम्मान निधि का यह बहद कार्यक्रम काफी अरसे बाद फिजिकल रूप से संपन्न हो पा रहा है, क्योंकि बीच में कोविड का कालखंड रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसान के खाते में पैसा जाए ये हमेशा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वर्चुअल मार्ग को कार्यक्रम के लिए अपनाया। किसान भाइयों, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहां पर बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है, करोड़ों किसान भाई इंतजार कर रहे हैं कि इसका पैसा कब जारी होगा। तो यहाँ पर हम आपको सब कुछ ए टू जेड बताएंगे और यहाँ पर बताने वाले हैं कि जो पीएम किसान योजना की जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है, इसका पैसा आपको कब तक रिसीव होगा। यहाँ पे हम आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा अपडेट, 17वीं किस्त कब होगी जारी, इसमें भी बड़ा बयान हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और साथ में यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब की बार कितने किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पे करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो उन किसान भाइयों को भी यहाँ पर मिलेगा। बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है और काफ़ी बड़े बड़े अपडेट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किस्त से लेके यानी आपकी लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या ईकेवाईसी या फिर और कोई भी समस्या रही है तो जिसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ में यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं आपको कि आय आपकी कितनी होगी, यानी जो किस्त है, करोड़ों किसान भाई यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं 17वीं इंस्टॉलमेंट का, तो यहाँ पर जो पैसा है वो कितना रिसीव होगा, जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट होने वाला है, यानी 2000 रुपये होगा या फिर 4000 रुपये होगा। क्योंकि हम आपको यहाँ पर बता दें किसान भाइयों, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो इंस्टॉलमेंट है 17वीं इंस्टॉलमेंट, अब जल्दी ही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और साथ में ही जो इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हैं, यानी 2000 मिलेगा या 4000 मिलेगा, तो हम आपको पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पैसा कब रिलीज होगा। तो किसान भाइयों, आपको याद होगा यहाँ पर काफ़ी सारी जो सरकारें हैं, जैसे आपकी महाराष्ट्र हो गई और स्टेट हैं, तो यहाँ की सरकारों जो है वो 2000 रुपये किसानों को यहाँ पर भेज रही हैं, यानी अगर कुल मिला के बात की जाए तो 2000 रुपये राज्य सरकार और 2000 रुपये केंद्र सरकार भी किसानों को देती है, तो सीधा 4000 रुपये का जो बेनिफिट है वो किसानों को देखने को मिलता है। मगर बात ये आती है कि अभी कुछ ही स्टेटों में ये हुआ है और काफ़ी सारी स्टेटें अभी रह गई हैं जिसमें अभी 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब की बार अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अब की बार सबसे बड़ा जो अपडेट यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि पीएम किसान योजना जो है वो सबसे बड़ी डीवीडी योजना है, जिसमें किसानों को साल में 3 बार पैसा दिया जाता है, जो कि अब तक जो है किसानों को 2000 रुपये की रकम जो है वो यहाँ पर दी गई थी, यानी अगर बात की जाए तो आपको
एक साल में 6,000 रुपये की जो राशि है वो DBT के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं और सीधा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें किसान भाइयों, ये सारा कुछ हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर करोड़ों किसान भाइयों का जो फॉर्म है वो सही तो है, मगर उनको किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है। काफ़ी सारे किसान भाई हैं जिनको लैंड शीडिंग नो है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आपको किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको नीचे एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे जाकर कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी आधार शीडिंग को सही कर सकते हैं। एक किसान भाई नहीं, काफ़ी सारे किसान भाई मुझे यहाँ पर कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा जो फॉर्म है वो तो सही है और सब कुछ सही है, बट यहाँ पर स्टेट लेवल पे दिखा रहा है, तो ये कब तक कंफर्म हो जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अभी कंफर्म हो जाएगा, कुछ ही समय में जो है वो कंफर्म हो जाएगा, जिससे आपको सीधा बेनिफिट आपके बैंक खाते में देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यानी PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के साथ जो वेटिंग फॉर अप्रूवल वाले किसान भाई हैं उनका भी फॉर्म सही कर दिया जाएगा और जिससे बेनिफिट उनके बैंक खाते में यहाँ पर आ जाएगा। अभी आपको याद होगा आंकड़ा, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ किसान भाइयों, जब यहाँ पर 16वीं किस्त जारी की गई थी तो काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे थे जिनकी उनको एक साथ सभी किस्त का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया था। यानी काफ़ी सारे किसान भाइयों को 30,000, काफ़ी किसान भाइयों को 32,000, इस प्रकार से जो पैसे हैं उनके बैंक खाते में आए थे। तो आपको भी अगर आए हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर UP की बात करें तो UP में तो काफ़ी सारे किसान भाइयों को 32,000 रुपए की जो राशि थी वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। यानी अब उनका एक भी किस्त रुक पेंडिंग में नहीं है। जब 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा तो उनको भी यहाँ पर जो किस्त का पैसा है वो भी जारी कर दिया जाएगा। हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें किसान भाइयों कि अब जो 17वीं इंस्टॉलमेंट है उसका पैसा आपको कब मिलेगा। यहाँ पर एक वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया था कि जो किसान है उसकी आय को बढ़ाया जाए, यानी किसान की आय को दोगुना करा जाए। तो काफ़ी सारी स्टेटों में जो है वो दोगुना हो चुका है, अभी कुछ स्टेटें रह गई है जहाँ पे दोगुना नहीं हुई है। यानी 2,000 रुपये यानी मिलते हैं तो अब यहाँ पर 4,000 रुपये भी उनको हो सकता है कि उनके बैंक खाते में आ जाए, क्योंकि आय में जो है अब किसानों की बढ़ोतरी होगी, जिससे किसानों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। करोड़ों किसान भाई तो ऐसे हैं जिनकी PM किसान सम्मान निधि योजना जो है उनके खाते में आ रही है, और जिससे आपको पता ही होगा ये पैसा तभी रिलीज होता है जब आपको ज़रूरत होती है खेती करने के लिए। यानी जो पैसा है 2,000 रुपये ये सिर्फ आपको खेती के लिए ही मिलते हैं, खेती में जैसे दवा दारू और आपका जो फसल के लिए पानी है, खाद है, उसके लिए ही आपको यहाँ पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि सीधे आपको बेनिफिट यानी जो DVD के माध्यम से आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो अभी आपको पता है कि गेहूं की फसल ख़त्म हो चुकी है, अब धान की फसल शुरू होने वाली है, जिससे किसानों को अब 2,000 रुपये की रकम जो है वो सीधे उनके बैंक खाते में आ सकती है। यानी 2,000 आएंगे या फिर 4,000 रुपये उनके बैंक खाते में आएंगे। अगर आय बढ़ाई गई तो 4,000 रुपये आएंगे, नहीं तो 2,000 रुपये तो आपको यहाँ पर मिलना ही मिलना है, क्योंकि PM किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े अपडेट आ गए हैं और यहाँ पर जितने भी फॉर्म पेंडिंग में पड़े हुए थे सब सारे पेंडिंग फॉर्म जो है वो अप्रूव भी यहाँ पर होना शुरू हो गए हैं। तो किसान भाइयों काफ़ी बड़े बड़े अपडेट आ गए हैं। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या फिर कोई भी परेशान है नहीं है जिससे आपको PM किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे हम आपके यहाँ पर हेल्प भी करेंगे और बिल्कुल फ्री में करते हैं, आपसे कोई भी पैसा भी नहीं लिया जाता है। तो 17वें इंस्टॉलमेंट पे काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर दे दिए गए, जिससे सीधा बेनिफिट जो है वो अब यहाँ पर किसानों को मिलने वाला है।